मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। अगर आपके पास कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, आपने इस ए वेक्टर को, ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो 10 है, आपने इस ए वेक्टर को 2 किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नया वेक्टर का नाम क्या है? 2a वेक्टर। 2a वेक्टर में डायरेक्शन वही रहेगी जो a वेक्टर की है, मैग्नीट्यूड जो 10 है वो 2 × 10 कितना हो जाएगा? 20। ये इसका मतलब है। जैसे आपके पास एक कार है, उसकी वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर क्या है? 10 मीटर पर सेकंड अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कार की डायरेक्शन रहेगी तो पॉजिटिव की तरफ, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 30। लेकिन सपोज करो आपके पास एक कार है जो इधर जा रही है 10 के साथ, आपने इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते तो, या 3 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर ये आता, लेकिन अगर आप -3 से मल्टीप्लाई करते तो डायरेक्शन क्या हो जाती? ये हो जाती। मैग्नीट्यूड इसका फिर से क्या रहता? लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे रियल नंबर और एक वेक्टर को तो डायरेक्शन में तब चेंज आएगा जब माइनस है, मैग्नीट्यूड उतने टाइम हो जाएगा, बात खत्म। ठीक। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर एक खास किस्म का वेक्टर है जो बहुत डिटेल में स्टडी करवाया जाएगा। यूनिट वेक्टर के अंदर, यूनिट वेक्टर का मतलब समझ लो, यूनिट वेक्टर नाम से ही पता लग रहा है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब कोई ये कहता है कि सर मेरे पास ए वेक्टर है, मैंने कहा ठीक है ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड 10 है, अलोंग कहाँ? नॉर्थ ईस्ट, लिख दिया 10 अलोंग नॉर्थ ईस्ट। लेकिन किसी ने कहा सर मेरे पास एक यूनिट वेक्टर है तो मेरे को उससे पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका मैग्नीट्यूड 100% 1 है। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है, ताकि दूर से पता लग जाए कि मैग्नीट्यूड 1 है। और तरीका क्या है? कैप लगा दो, कैप टोपी डाल दो। कैप मींस ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। क्या पॉइंट क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड इसमें 1 है। तो ए कैप, तो ए वेक्टर की जगह ए कैप है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30 कुछ भी, पर ए कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा? 1। अगर मैं बोलता हूं बी कैप है तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? 1। सी कैप का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? 1। तो ठीक है, यूनिट वेक्टर का ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो फॉर्मूला बुकलेट में एंटर कर लो। ए कैप निकालने का तरीका, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर बाय ए, ए वेक्टर बाय ए। देखो किसी ने सोच समझ के ये फॉर्मूला बनाया कैसे? देखो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है? 10 अलोंग नॉर्थ ईस्ट। जो ए वेक्टर है उसको मान लो कैसे रिप्रेजेंट किया? 10 अलोंग नॉर्थ ईस्ट। अब ए कैप का मतलब क्या है? अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये ध्यान से देख लेना। ए वेक्टर का मतलब है 10 अलोंग नॉर्थ ईस्ट। ए का मैग्नीट्यूड क्या है? 10, 10 से 10 कैंसिल, अपने आप मैग्नीट्यूड क्या आ गया? 1। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा। इसको कैसे यूज करना है ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम ही बताऊंगा, लेकिन अभी ये फॉर्मूला नोट कर लें, इसको यूज कैसे करना है वो आने वाले टाइम में न्यूमेरिकल में बताऊंगा। अभी फिलहाल यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज करते हैं, वो वेक्टर नहीं है, वो कैप है। ठीक। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसको देखते हैं।